Welcome. मैं डॉक्टर साहब की पेशेंट हूँ अभी कुछ ही दिन हुए मेरी सर्जरी को मेरा यूट्यूब पे आने का बेसिकली मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ मेरी आइज़ में सिक्वेंट था इसकी अलाइनमेंट के लिए मैं लाहौर के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल गई लेकिन वहाँ जाके मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई बिकॉज छः घंटे के इंतज़ार के बाद बारी आई एक दो सेकेंड का चेकअप हुआ और चेकअप के बाद डॉक्टर साहब ने बोला इसका इलाज एक साल के अंदर अंदर मुमकिन है अगर अब आप सर्जरी कराओ तो डबल विज़न हो जाएगा आपको डबल नज़र आना शुरू हो जाएगी हर चीज़ तो इसका तो हमारे पास कोई हल भी नहीं है खुदा ना हादसा अगर किसी का डबल विज़न हो जाता है तो इस चीज़ का कोई हल नहीं हम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं तो अगर आप करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं लेकिन अब मैं वहाँ पर रिस्क तो नहीं ले सकती थी जो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें आपको तसली तो ना दें वहाँ इंसान का यकीन कैसे ठहर सकता है खैर मैं वहाँ से तो चली आई लेकिन मैंने अपने अल्लाह की ज़ात से मैं नाउद नहीं हुई मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि तो अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो दूसरा वो खोल भी देता है कुछ दिन बाद मुझे डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक साहब की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली फिर मैंने व्हाट्सअप पे कांटेक्ट किया और ख़ुशी की बात ये रही कि डॉक्टर साहब ने खुद रिप्लाई दिया और मुतमिन भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब हुई खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है और डॉक्टर साहब और इनका स्टाफ माशाल्लाह बहुत ही कॉपरेटिव है वहाँ जाके बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग एक अनजान शहर आए हैं और प्लीज़ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग अल्लाह के डर से ना उम्मीद ना हो एक दफ़ा कोशिश करके हिम्मत मत हारा करें जैसे बाकी इंसान हैं ऐसे ही डॉक्टर्स भी इंसान हैं अल्लाह की ज़ात के आगे इनके तजर्बे भी कभी कभी माँ पड़ जाते हैं तो खुदारा आप लोग हिम्मत ना हारो अगर एक जगह नहीं लिख तो कोई बात नहीं आप दूसरी जगह जाके तीसरी जगह जाके कोशिश ज़रूर करें